गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मुजाहिर जैद ग्रुप प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और खूब सारा लाइक का बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैलिपर। और हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है, मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स, माप पी और मापी औजार चैप्टर चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्टील रूल के बारे में जाना, कैलिपर के बारे में भी जाना। आज हम लोग जो जानेंगे क्या है, वो ट्राई स्क्वायर। क्या है ट्राई स्क्वायर? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुनिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुनिया। लेकिन कितना टेढ़ा नाम है, याद भी नहीं रहेगा, हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी में इसे बोलते हैं गुनिया, इंग्लिश में इसका नाम है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे, इससे हम क्या होंगे, पहले परिचित होंगे, तब इस ये कौन सा मटेरियल का बना है, इसका यूज क्या है, वो हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप पहले देखिए ये क्या है, ये ट्राई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोक, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, ब्लेड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ब्लेड है, और ये क्या है, ये वाला पार्ट स्टोक है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक खाचा कटा होता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्लॉट टाइप का बना हुआ होता है, उससे क्या होता है वो भी यूजेस में बताऊंगा। तो ये है क्या, ट्राई स्क्वायर है, ठीक है। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये हम जानेंगे। ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इसका जो यूज है, ये भी हम कह सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का क्या है, चेकिंग और मार्किंग टूल है। क्या है? चेकिंग एंड मार्किंग। मार्किंग और मेजरिंग में फर्क है, याद रखिएगा, मार्किंग और मेजरिंग में फर्क है। चेकिंग मतलब चेक करना, मार्किंग मतलब हम इसकी सहायता से हम मार्क, मतलब कोई लाइन खींच सकते हैं, मेजरिंग अलग चीज है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है और चेकिंग एंड मार्किंग टूल है, ठीक है। जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रोक और ब्लेड है, ये 90 डिग्री के शेप में है, ठीक है, ठीक है, समकोण में है। तो हम कह सकते हैं जिसका मुख्य कार्य किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है, जैसे कैलिपर की एक्यूरेसी, स्टील रूल की एक्यूरेसी हम लोग ने जाना, तो इसकी एक्यूरेसी जो होती है, इसकी जो एक्यूरेसी होगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी जो एक्यूरेसी होगी 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर की ब्लेड की लंबाई के लिए क्या होगा, पर 10 मिलीमीटर लेंथ लिख सकते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है बराबर, कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है ट्राई स्क्वायर की 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ, ठीक है, जो कि वर्कशॉप के लिए, मतलब वर्कशॉप कार्यालय के लिए बहुत ही सही है, मतलब वर्कशॉप के लिए यूज करने के लिए ये क्या ही बहुत ही सही है, जो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ, तो ये वर्कशॉप के लिए बहुत ही सही है उपयोग के लिए, ठीक है। अब यह मेड, अब ये किसका बना होता है, ठीक है, मतलब ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये जो बना होता है हार्डेंड स्टील, किससे बना होता है, हार्डेंड स्टील, कठोरीकृत इस्पात। स्टील को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इस्पात। तो कठोरीकृत इस्पात से बना होता है, मतलब हार्डेंड स्टील से ट्राई स्क्वायर बना होता है। ट्राई स्क्वायर किसका बना होता है, हार्डेंड स्टील का बना होता है। यह एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग एंड मार्किंग टूल है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ, जो कि कार्यशाला के लिए, वर्कशॉप के लिए बहुत ही सही एक्यूरेसी है, ठीक है। यह जो बना होता है हार्डेंड स्टील का बना होता है, ठीक है।
अब हम इसका मुख्य जानेंगे, इसका यूजेस के बारे में। तो देखिए ट्राई स्क्वायर का जो मुख्य यूजेस है वो हम देखेंगे कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक स्क्वायरनेस, ठीक है, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, किसी जॉब का फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, मतलब जॉब का स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग, आपका एक ये वर्क प्लेस है, ठीक है, तो इसका जो हम स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसका हम फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, सरफेस की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। सेट वर्कपीस एट नाइट राइट एंगल्स, मतलब हम वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल में, क्या कर सकते हैं वर्कपीस को हम सेट कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर की सहायता से चेक कर करके, ठीक है। और मार्क लाइन एट 90 डिग्री टू द एज ऑफ वर्कपीस, ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं 90 डिग्री में हम लाइन एक खींच सकते हैं वर्कपीस पर, ठीक है, एज के सहारे। तो एज के सहारे हम 90 डिग्री का मार्किंग कर सकते हैं। सेट वर्कपीस एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल में सेट कर सकते हैं, फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। ये क्या है, मुख्य प्रयोग है ट्राई स्क्वायर का, ठीक है। अब हम इसका बात करेंगे स्पेसिफिकेशन का। स्पेसिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो गुनिया को क्या होता है, ब्लेड की लंबाई से उसे स्पेसिफाई किया जाता है, ब्लेड की लंबाई से, लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड, ठीक है, मतलब ब्लेड की लंबाई से हम क्या कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर को स्पेसिफाई कर सकते हैं, विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज होता है 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर। साइज जो होता है ट्राई स्क्वायर का 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर एंड 200 मिलीमीटर, याद रखिएगा सभी मिलीमीटर में है, 100, 150, 200 मिलीमीटर का साइज में ट्राई स्क्वायर होती है, ठीक है। जो उसका स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब लेंथ ऑफ ब्लेड, ब्लेड की लंबाई से उसका स्पेसिफाई किया जाता है। और इसके यूजेस जो है, चेक स्क्वायरनेस, चेक फ्लैटनेस, सेट वर्कपीस एट राइट एंगल एंड मार्क लाइन एट 90 डिग्री टू द एज ऑफ वर्कपीस, ठीक है। मतलब किसी जॉब के हम फ्लैटनेस चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे ट्राई स्क्वायर का प्रकार, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर के कितने प्रकार है। तो मुख्यतः इसका दो प्रकार है, ये जान लीजिए, एक फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, दूसरा है क्या, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। तो ये जो है ट्राई स्क्वायर, जो साधारण प्रकार का ट्राई स्क्वायर, इसे हम फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर कह सकते हैं, और ये साधारण प्रयोग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है, ये देख सकते हैं कि इसमें जो एक ब्लेड जो है, ब्लेड में क्या है, एक स्लॉट कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है। और स्टॉक क्या होता है, इसे हम एक पिन के सहारे क्या आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं इसे, तो इसकी ब्लेड को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ब्लेड जो है रिवेट के द्वारा एक फिक्स स्थान में फिक्स रहता है, एक स्थिर स्थान पे क्या होता है, फिक्स रहता है। तो ये हुआ हमारा फिक्स ट्राई स्क्वायर, और ये हुआ एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो फिक्स, जैसा कि फिक्स ट्राई स्क्वायर का यूजेस हम लोगों ने जाना कि साधारण प्रयोग के लिए करते हैं, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, 90 डिग्री में लाइन को मार्क करने के लिए, एक सीधी लाइन खींचने के लिए, ठीक है, और वर्कपीस को सेट करने के लिए, ठीक है, राइट एंगल में वर्कपीस को सेट करने के लिए। लेकिन एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां हम फिक्स ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का यूज हम करेंगे। याद रखिए, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का यूज हम कहां करेंगे, जहां हम फिक्स ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां हम एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग एक देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक जॉग है, ठीक है, हमने तो ये चौथा एज, मतलब चारों एज हमने बना लिया, लेकिन ये एज को बनाने के लिए अगर यहाँ पे हम फिक्स ट्राई स्क्वायर का हम प्रयोग करना, हमें क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम ये एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर को एडजस्ट करके यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, और इसको बना सकते हैं, और इसको बना सकते हैं, मतलब इसको भी हम 90 डिग्री में स्क्वायर कर सकते हैं, फ्लैटनेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
तो एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम फिक्स ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं कर सकते वहां एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तंग जगहों के लिए। कहाँ पे? तंग जगहों के लिए, तंग जगहों के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो तंग जगह मतलब जहाँ पे थोड़ा, जिसकी मतलब समकोण भुजा क्या हो, छोटी हो, मतलब जिसकी समकोण भुजा क्या हो, छोटी हो, मतलब छोटी भुजा के लिए हम एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का योग प्रयोग कहाँ करेंगे हम, छोटी भुजा के लिए हम एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तंग जगह के लिए हम एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। और अब हम आते हैं अब हम बात कर रहे हैं कि ट्राई स्क्वायर का बहुत अधिक प्रयोग से क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी बनी हुई है कि नहीं। तो मान लीजिए ये क्या सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट के एज से स्टोक को लगाकर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये लाइन खींचे, फिर इसको जस्ट पलट कर फिर एक लाइन खींचेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दो गैप बन रहा है, ये गैप यहाँ पर देखिए कम है, फिर यहाँ से आते हैं तो ये क्या बढ़ गया है। तो मान लीजिए अगर हम पलट कर हम दूसरी लाइन खींचे और वो अगर गैप बढ़ते चला गया, मतलब इसके एकदम स्ट्रेट, इसके स्ट्रेट नहीं है ये लाइन इसके स्ट्रेट नहीं है, गैप यहाँ से बढ़ते चला गया, तो समझ लीजिए ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी खराब हो चुकी है। अगर ये जस्ट इसकी तरह इधर मार्किंग लाइन आती तो समझ लीजिए ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी बनी हुई है। तो इस तरह से हम ट्राई स्क्वायर को हम चेक कर सकते हैं सरफेस प्लेट पर कि हमारा ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी है कि नहीं। तो आई होप आप लोगों के लिए क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आया होगा। तो खूब सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।